शंख चक्र गदा पद्म धारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार 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 शंख चक्र शंख चक्र गदा पद्म धारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार 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 प्रार्थना। मेरा संभाव संकृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्म भाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। अब सब सज्जन सावधान हो जाएं और सत्यता से अपने भाव स्वभावों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए तैयार हो जाएं। इस हेतु ध्यान से सुनो कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार जो जो कुदरती ग्रंथ और पुस्तकें युग युग में आ रही हैं उन ग्रंथों में दो भक्तियां लिखी हुई हैं। एक तो है बालावस्था की युक्ति और भक्ति और दूसरी है युवा अवस्था की युक्ति और भक्ति। पर इन दोनों भक्तियों की
कोई विरला सज्जन ही पहचान कर सकता है। सज्जनों आप ध्यान से सुनो, बाल अवस्था की भक्ति है नाम चलाना और ध्यान लगाना। ये बुद्धि थोड़ी अनजान पड़ने के कारण नचनी टपनी होती है। इसी चंचलता के कारण मन शांत, ख्याल विशुद्ध और ध्यान स्थिर नहीं हो पाता। अतः बुद्धिमान इस भक्ति भाव को नहीं अपनाता। सज्जनों आगे सुनो, युवावस्था की भक्ति है संभव समदृष्टि की युक्ति। इसके अंतर्गत मृत लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए सज्जन शब्द यानी अपने असलियत स्वरूप में स्थित रह कदम कदम पर विचार के साथ सज्जन भाव का वर्त वर्ताव अपनाने हेतु खुद पर पकड़ रखनी होती है, ताकि एक निगाह एक दृष्टि हो, ताकि एक निगाह एक दृष्टि हो। जीवा स्वतंत्र व संकल्प स्वच्छ रखना हमारे स्वभाव के अंतर्गत हो जाए। ये होता है विचार शब्द द्वारा, ये होता है विचार शब्द द्वारा ईश्वर है अपना आपका बोध होना व जगत में विचरते हुए यथा उसी की तरह परिवर्तन रहित, मनोविकार रहित, स्वार्थ रहित, विवाद रहित, व्याधि रहित, भेदभाव व वैर विरोध रहित, निर्वघन अपने एक रस निर्विकारी परब्रह्म अवस्था में बने रहना। सो ऐसे बनना है। इस अवस्था में बने रहने पर ही सजनों, इस अवस्था पर बने रहने पर ही मन वेग रहित यानी दुई द्वेष, छल कपट, राग द्वेष, हर्ष शोक, तेरी मेरी, ईर्ष्या आदि जैसे विकृति पैदा करने वाले भावों से रहित रहते हुए सदा निर्मल, शांतमय व आनंद से भरपूर रहता है। आगे ध्यान से सुनो, इस प्रकार ये अवस्था मनुष्य के उच्च बुद्धि उच्च ख्याल होने के प्रतीक होती है, जिसके अंतर्गत मनुष्य का मन भक्ति भाव द्वारा परमात्मा के प्रति परम अनुराग रखते हुए वैसा ही शक्तिशाली होने का एहसास कर संतोष को प्राप्त होता है। बस फिर तो उस मनुष्य के लिए संतोष, धैर्य और सच्चाई धर्म के सवाल हल कर संपर्क बने रहना सहज हो जाता है। और इस प्रकार उसके मन में कोई संकल्प नहीं उठता यानी माया उसे नहीं सताते और वह निष्काम भाव से पर उपकार करने के योग्य हो जाता है। और वह निष्काम भाव से पर उपकार करने के योग्य हो जाता है। याद रखो संकल्प का ना उठना, याद रखो संकल्प का ना उठना लक्षण है सत्वस्तु का, जिसके प्रभाव से आत्मतुष्ट मन में सदा अपने परमात्म स्वरूप का एहसास बना रहता है और आत्मज्ञान मजबूती से व्यवहार में विधिविध उतरता जाता है। तो सुंदर बात है, यह श्रेष्ठ उपलब्धि है। इसी श्रेष्ठ उपलब्धि हेतु संभव समदृष्टि की युक्ति को समझ उसे यथा जीवन में उतार कर एक अच्छा व नेक इंसान बनने के लिए वसुंधरा परिसर में सज्जन श्री शहनशाह हनुमान जी की कृपा से संभव समदृष्टि का सकोल खोला गया है। अतः सबको सुझाव है कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ अनुसार इस स्कूल में आत्मज्ञान की पढ़ाई के रूप में बताई जाने वाली उनकी युक्तियों को अपने जीवन में उतार कर उनकी कृपा के पात्र बनो।
इसी संदर्भ में समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव अनुरूप व्यवहारिकता अपनाने हेतु गत वर्ष से जो पढ़ाई चल रही है वह यत्न है सभी सज्जनों के हृदय में सज्जन भाव के सबक को अमल में लाने के प्रति रुचि पैदा कर आत्मरीक्षण की क्रिया द्वारा स्वयं में पाए गए मनोविकारों पर आत्मनियंत्रण द्वारा शमन करते हुए अपने अंतःकरण को शुद्ध व पारदर्शी बनाए रखने का ये तो यत्न करना चाहिए सबको। इस यत्न द्वारा हम निज सत्य स्वरूप का बोध कर उसी दर्शन में स्थित रहते हुए आत्म अंतर्निहित आत्मिक बल का आत्मविश्वास से भरपूर प्रयोग करते हुए न केवल नित्यता के भावन रूप परम अर्थ हेतु एक अच्छे वन एक इंसान की तरह जीवन जीने में कामयाब हो सकते हैं अपितु तीनों कालों के जानने वाले बन अपने जीवन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखो जब तीनों कालों का बोध हो जाता है तो भूत भविष्य वर्तमान में कुछ अंतर नहीं रहता। जीवन का हर पल तब वर्तमान होता है और ख्याल आत्मबोध द्वारा आत्म स्वरूप में ठहरा रहता है। फलते आत्मविश्वास जागृत होता है और इंसान स्वतंत्रता से जीवन में प्रत्येक कार्य करते हुए परम अर्थ को सिद्ध कर लेता है। अतः सबसे प्रार्थना है कि इस महान कार्य की सिद्धि के लिए अपने अंदर चाहना पैदा करने का यत्न करो और इसके प्रति कभी भी कमज़ोर ना पड़ने का दृढ़ संकल्प लो। इसी संदर्भ में आइए इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार हम सज्जनों के लिए जो क्रमबद्ध उन्नति करने का विधान है आत्मरीक्षण करते हुए उसको सार रूप से जानते हैं और अपना सालाना नतीजा लेते हैं। अब बड़े समझदारी से सुनना ध्यान से। क्या हम संभाव संदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव को व्यवहार में लाते हुए अंदरूनी और बहरूनी दोनों वृत्तियों का रोना झुकना बंद करने में सक्षम हो चुके हैं, यानी सुख की बातें करने के स्थान पर सदा दूसरों के आगे अपना दुखड़ा ही रोते रहते हैं? दूसरा, क्या परिस्थितियों के प्रभाव से हमारा संकल्प अभी भी झुकता है और हम हर समय रोते रहते हैं, यानी अंतर्द्वंद में उलझे रहे सदा तनावग्रस्त रहते हैं? इस संदर्भ में यदि पहले प्रश्न का उत्तर न में और दूसरे का उत्तर हाँ में है तो समझ लेना है कि अभी तक हम जीवा स्वतंत्र और अफुर अवस्था को धारण नहीं कर पाए। तीसरा, क्या हमने अब तक अपनाए कलयुगी भाव स्वभावों से छुटकारा पा हों मैं को मिटाकर इस शरीर रूपी घर को सत्युग बना लिया है? इसी के साथ ही क्या हमने विराट दृष्टि पर खड़े होकर अर्थात सर्वव्यापक भगवान को देखते हुए ब्रह्म वृत्ति अर्थात एक निगाह एक दृष्टि एक दर्शन को ठहरा लिया है? चौथा, क्या हम अपनी जीवा स्वतंत्र संकल्प स्वच्छ और दृष्टि कंचन करने में सफल हो चुके हैं? पांचवा,
क्या हम अपने गृहस्थ आश्रम को ठीक से चलाते हुए बुजुर्गों, बच्चों और गृहस्थ के फर्ज अदा के प्रति सजग हैं? यानी गृहस्थ आश्रम की नीति नियमों के अनुसार बने रहते हुए हर एक के प्रति अपना कर्तव्य हंसकर निभाने में सफल हो पा रहे हैं? छठा, क्या हम विचार शब्द तथा समभाव समदृष्टि को परिपक्वता से धारण कर यथा अमल में लाने के योग्य बन चुके हैं? क्या अभी पूछे गए सवालों के उत्तर रूप में अपने आचार विचार व व्यवहार का फर्स्ट का नतीजा लेने व इस प्रकार उत्तम व्यक्ति कहलाने के योग्य बनने हेतु हम नित्य प्रति आत्मनिरीक्षण की क्रिया द्वारा अपनी कमजोरियां दूर करने के प्रति जागरूक बने रहे उचित सुधार कर पाई हैं? अब सभी सज्जन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव के वर्त वर्ताव में निजी निपुणता के बारे में जानने हेतु अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए नीति अनुसार अपना फेल, पास व फर्स्ट निकलने का नतीजा लो। इस संदर्भ में जान लो, अगर आपका इन सब सवालों का उत्तर न में है तो समझो कि आप फेल हैं। अगर चार सवालों का उत्तर हाँ में है तो आप पास हैं, और अगर सब सवालों का उत्तर हाँ में है तो आप फर्स्ट हैं। इस विषय में यह भी जान लो कि अगर नतीजा फर्स्ट का है तो एक अच्छे व नेक इंसान बने रहने हेतु आप काबिले तारीफ हैं। अगर नतीजा पास का है तो सज्जन भाव के व्यवहार में और गुड़ने की आवश्यकता को समझो और थोड़ी और हिम्मत दिखा, इस वर्ष के नतीजे में सुधार कर लो। अगर नतीजा फेल का है तो समझो कि आप अपने गृहस्थ आश्रम को सतयुगी बनाने व जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में दिलचस्पी नहीं रखते, जो अनुचित बात है। अतः समय पर ही अपने आप को खुद समझाकर खुद संभल जाओ, ताकि सांसारिक विषयों में उलझे रहने के कारण आप तनाव के प्रभाव से कठोर पीड़ा उठाने के भागी ना बनो। याद रखो, यदि ऐसा हुआ तो बाद में पछतावे के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, और आपके साथ साथ आपके परिवारजन भी ईर्ष्या द्वेष, वैर विरोध, तेरी मेरी आदि जैसे नकारात्मक दुष्ट भाव स्वभाव अपना बैठेंगे। इस प्रकार दुराचार, भ्रष्टाचार व व्यभिचार जैसे बुरे भाव स्वभावों के वर्त वर्ताव से प्राप्त होने वाले नतीजों के कारण व्यक्तिगत स्तर पर आप अपने परिवार व समाज की नैतिक पतनता का कारण बनोगे। यह मानवता की हिंसा कर खुद का व सबका विनाश करने की बात होगी, जिसके भयंकर परिणामों को भुगतते हुए जीवों को आप देख भी नहीं पाओगे व इस तरह अपयश के भागी बनोगे। हम अपयश का भागी ना बने, इस परिप्रेक्ष्य में हम जानते हैं कि कलयुग के प्रभाव के कारण इतनी भरी सभा में किसी को भी फर्स्ट का नतीजा प्राप्त नहीं हुआ होगा। यदि ऐसा ही है तो भी घबराओ मत, क्योंकि सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ आपके पास है, उसे अपना संगी बना लो और अपने त्रुटियों को स्वीकार कर झुकाव में आ जाओ।
याद रखो, यदि ऐसा कर लिया तो निश्चित ही अगले वर्ष फर्स्ट का नतीजा प्राप्त करोगे। इस हेतु समय की महत्ता को समझते हुए आत्मनिरीक्षण द्वारा, स्वयं में पाई गई कमियों पर आत्म संयम द्वारा विजय प्राप्त कर लो और अपने भाव स्वभावों को मानव धर्म अनुसार ढाल लो। इस तरह पुनः संभव समदृष्टि की पढ़ाई व गुड़ाई दिलचस्पी से कर अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्मा दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनो। जान लो कि एकमात्र यही युक्ति ही आपके हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा आपको सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। अतः अपने इसी उद्देश्य सिद्धि हेतु सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करो और एक सदाचारी इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनने का संकल्प लो। इस संदर्भ में अपने मन के भेद किसी के सामने खोलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपनी कमजोरियां किसी को बताने की ज़रूरत है, पर उन्हें खुद समझने की ज़रूरत अवश्य है। अतः आत्मनिरीक्षण द्वारा इन्हें समझकर अपने मन पर अंकुश रखते हुए इनका सुधार कर लो। इसके लिए जो युक्ति सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में दो पैगामों वाले कीर्तनों में लिखी है, उसे ध्यान से पढ़ो और समझदारी से उसको युक्ति संगत अमल में लाना आरंभ कर दो। यानी वैसा चलन अपनाते हुए उसे अपने स्वभाव के अंतर्गत कर लो और संयमित ढंग से जीवन जीने के योग्य बनने के लिए कदम कदम पर नित्य प्रति आत्मनिरीक्षण करो। याद रखो, अगर इस साल ऐसा कर दिखाते हो तो अगले वर्ष नतीजा फर्स्ट का आएगा ही आएगा। सो हिम्मत करना, इसलिए ना ही घबराओ और ना ही सोच में जाओ, यानी हिम्मत मत हारो, क्योंकि सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ कह रहा है ध्यान से सुनो। सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी के मुख के शब्द। हिम्मत बधाई हो जाओ
विचार पकड़ना सिखाई ओ जाओ, सत बोलना समझाई ओ जाओ, सत होवी जबान ओ धर्म दरस्ता बतलाई ओ जावो सजनानो एक तवी दिखाई ओ जावो सजनानो एक तवी दिखाई ओ जावो एक निगाह एक दृष्टि ते हिम्मत बढ़वाई ओ जावो नीतियां ते चलने दा तरीका ओ बेटा चलनी दा तरीका ओ बेटा ए हो सजना नू समझाई ओ जावो ए हो सजना नू समझाई ओ जावो हिम्मत बढ़ाई जावो एहो तरीका सारी विश्वनु सुनाई ओ जावो हिम्मत है जग जीत नीता दाओ मीत बेटा तरीका देके सबनू हर्षाई ओ जावो ए सौखा तरीका देके सबनू हर्षाई ओ जावो अब श्री साजन जी सजनों को कह रहे हैं हिम्मत जीड़ा लड़ावे निसान ओ असलियत दी कर लवे पहचान इंसान हो तो इंसानी दिखाओ ओ सजनों हिम्मत है जे बड़ी महान ओ सजनों हिम्मत है जे बड़ी महान इंसान हो तो इंसानी दिखाई ओ जावो ओ सजनों हिम्मत बढ़ाई ओ जावो फिर दिव्य दृष्टि दा सबक लेके नील महाराज नाल खाई ओ जावो नील महाराज नाल खाई ओ जावो हिम्मत है जी ओ जैन दी
हिम्मत है जी वो अपना आप पर काश वो प्रकाश दिखाइयो जावो त्रिकाल दर्शी नाम कहाइयो जावो त्रिकाल दर्शी नाम कहाइयो जावो फिर रूप रंग ना रेखा कोई निर्वाण दे अंदर प्रकाश सोई बिन सूरजो प्रकाश आद अंत प्रकाश ही प्रकाश दिखाइयो जावो पर काश ही प्रकाश दिखाइयो जावो पर काश ही प्रकाश दिखाइयो जावो शब्द जीड़ा पर काश है जे मन मंदिर ओही पर काश सारे जग अंदर एक निगाह एक दर्शन ओ एक दर्शन ओ एक दर्शन इस तरह अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु खुद हिम्मत में बने रहो और अन्य को भी हिम्मत बढ़ाने का पराक्रम दिखाओ। क्या सभी सुरतों को अपने शब्द शो की ये बात मंजूर है? हाँ जी मंजूर है। मंजूर है तो सब सुरतें शब्द का संग कर उसके विचारों को ही अपने जीवन का आधार मानना। इस तरह आपके सब सवाल हल हो जाएंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ जी। तो अब जागृति में आओ। आगे बढ़ो और मंजिल प्राप्त करने हेतु तत्पर हो जाओ। ईश्वर की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। विश्वास करो और ये शुभ काम पूरी श्रद्धा के साथ समर्पित भाव से करना आरंभ कर दो। ऐसा करने से निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। विजय प्राप्ति हेतु सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के इस पैगाम के वचनों पर यथा अमल करने हेतु आज के दिन को ही शुभ समझो। सो अब ध्यान से सुनो। श्री साजन जी के मुख के शब्द शब्द सजनो सज्जन शब्द चलाओ जितो मृत लोक नु सजनो जितो मृत
सजनो चित्तो मृत लोक नु सजना को
सो अब अपना नाम रोशन करने की बात है, इसलिए सबसे प्रार्थना है अब अपने हितकारी बन दृढ़ संकल्प हो जाओ। और नंबर एक, गृहस्थ धर्म को ठीक निभाना आरंभ कर दो और भावावेश हो नकारात्मकता के भाव स्वभावों के चक्रव्यूह में उलझे व रुड़ते हुए ख्याल को पकड़ स्थिर कर लो। ध्यान से सुनो, गृहस्थर्म को ठीक निभाना आरंभ कर दो और भावावेश हो नकारात्मकता के भाव स्वभावों के चक्रव्यूह में उलझे व रुड़ते हुए ख्याल को पकड़ स्थिर कर लो व इसके प्रति सभी परिवारजनों को भी सुचेत रखो ताकि वे भी ऐसा करने में सफल हों और सभी एक ख्याल हो जाएं। नंबर दो, छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि छोड़। छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि छोड़, सच्चाई धर्म के रास्ते पर चलना आरंभ कर दो और अपने आप को व अन्य सभी को नैतिक पतन अवस्था से उबार लो। इस प्रकार आपसी व्यवहार के दौरान मानवता अनुरूप व्यक्तित्व में बने रहो। नंबर तीन, नाम ध्यान की शक्ति द्वारा अपने मन को सदा परमेश्वर में लीन रखो और इस प्रकार आत्मानंद की प्राप्ति करते हुए रोने झुकने के स्वभाव से निजात पा सदा हंसते रहो और सजनों को हंसाते रहो। नंबर चार, भक्ति शक्ति को धारण करने के महत्व को समझो और वैसा ही करना सुनिश्चित करने हेतु सांसारिक फुरनों में गलतान अपने मन मस्तिष्क को अचेतन अवस्था से उबार जागृत अवस्था में साध लो। इस प्रकार खुद आदर्श स्थापित कर सभी को ऐसा ही करने का सुझाव दो। नंबर पाँच, इस कारण जगत में गमन करते हुए अपना भाव स्वच्छ रखो और अपने जीवन काल में इसके प्रति ध्यान पूर्वक सदा सतर्क व सावधान बने रहो ताकि कोई भी विकृति मन में घर ना कर जाए। ये तो महत्वपूर्ण है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे दुर्भावों के चक्रव्यूह में ना फंसकर अकर्ता भाव से पुण्य कर्म करने के योग्य बनो। नंबर सात, आपकी यश और कीर्ति में फर्क ना पड़े ऐसा सुनिश्चित करने हेतु स्वयं द्वारा अपनाए आचार विचार व व्यवहार का सूक्ष्मतः विश्लेषण करो। आपकी यश और कीर्ति में फर्क ना पड़े ऐसा सुनिश्चित करने हेतु स्वयं द्वारा अपनाए आचार विचार व व्यवहार का सूक्ष्मतः विश्लेषण करो।
अगर किसी भी प्रभाव के कारण स्वयं को कुरस्ते पर चढ़े हुए पाओ, यानी ऐसा लगे कि दुर्व्यवहार दुराचार या व्यभिचार करते हुए जन्म मरण के रास्ते पर अग्रसर हो रहे हो, तो अपने आप को संभाल लो। और जो धर्म का रास्ता है अपने घर को जाता है, उस रास्ते की ओर कदम बढ़ाने का ऐसा पराक्रम दिखाओ कि आप में इंसानियत अनुरूप आए बदलाव को देखकर कुरस्ते पड़े अन्य सज्जन भी रास्ते पर आ जाएं। तो बहुत बड़ी बात है। नंबर 8, इंसानियत के इतिहास को समझो। इंसानियत के इतिहास को समझो और उसको याददाश्त में रखते हुए दृढ़ विश्वास के साथ अपनी सूरत को शब्द गुरु के साथ जोड़े रखो, यानी ख्याल ध्यान वल व ध्यान प्रकाश वल, यानी ख्याल ध्यान वल व ध्यान प्रकाश वल रख सत्य को धारण करो। इस संदर्भ में सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित इस सत्य को याद रखो। सच्चा व्यापारी उतर गया, सच्चा व्यापारी उतर गया, झूठ डूबे विच मझदार, सच किनारे उजा लगा, झूठ डूबिया अध विचकार। झूठ परेवा लहाना जे सजनो, जेड़ा करदा जे औखा, सच दा पहरेवा पाना जे जेड़ा करदा ओ सौखा। सच ओ मौज उड़ावे, झूठ ठोकरा खावे, ठोकरा खा खा उठ उठ के ओ फिर ओ सज्जन पछतावे। अतः सज्जनों, सत्य को प्रवान करते हुए सत्य ही बोलना सीखो। और सज्जन श्री शहनशाह महावीर जी की युक्ति के वर्त वर्ताव द्वारा एक मनुष्य के जीवन में सत्य की महानता जना, ऐसी करामात दिखाओ कि समस्त मानवों के हृदय में सत्य का रास्ता अपनाने की भावना जागृत हो जाए। ध्यान से सुनो। अतः सज्जनों, सत्य को प्रवान करो, सत्य ही बोलना सीखो। और सज्जन श्री शहनशाह हनुमान जी की युक्ति के वर्त वर्ताव द्वारा एक मनुष्य के जीवन में सत्य को महानता जना, एक मनुष्य के जीवन में सत्य की महानता जना, ऐसी करामात दिखाओ कि समस्त मानवों के हृदय में सत्य का रास्ता अपनाने की भावना जागृत हो जाए। और सभी सत्य निष्ठा व धर्म प्रायणता से जीवन जीना आरंभ कर एक भाव हो जाए। निष्काम भाव से इस परोपकार हेतु खुद भी सत्य पढ़ना बोलना व वर्त वर्ताव में लाना सीखो और अन्य सज्जनों को भी वैसा ही पाठ पढ़ाओ, ताकि इस जगत में विचरते समय सभी का मन मस्तिष्क शांति व विश्राम अवस्था में इस तरह बना रहे कि किसी के हृदय में असंतोष घर न कर पाए। ध्यान से सुनो। निष्काम भाव से इस परोपकार हेतु खुद भी सत्य पढ़ना बोलना व वर्त वर्ताव में लाना सीखो और अन्य सज्जनों को भी वैसा ही पाठ पढ़ाओ, ताकि इस जगत में विचरते समय सभी का मन मस्तिष्क शांत व विश्राम अवस्था में इस तरह बना रहे कि किसी के हृदय में असंतोष घर ना कर पाए और संपूर्ण मानव जाति एकता और एक अवस्था में बनी रहे। ऐसा सुनिश्चित करने पर हर सज्जन के लिए संभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव अनुरूप इस प्रकार से व्यवहार करना सहज हो जाएगा। इसलिए जब भी दो सज्जन आपस में मिलो, ध्यान से सुनो, इसलिए
जब भी दो सज्जन आपस में मिलो तो एक दूसरे को सच्चाई धर्म के रास्ते पर मजबूत बने रहने है तो पूछते रहो, ताकि कोई भी सज्जन कुरस्ते पर चलता हुआ धर्म ना हार बैठे और वह निष्काम रास्ते पर बने रहे और परोपकारी नाम कहे। ये शुभ काम संपूर्ण करने में देरी मत करना, क्योंकि परम धाम में परमेश्वर आपका स्वागत करने को तैयार बैठे हैं। इस सबक में सफलता प्राप्त कर अगले वर्ष फर्स्ट का नतीजा दिखाने हेतु तो सभी सज्जनों को इस वर्ष निम्नलिखित गृह कार्य दिया जा रहा है। सभी सज्जनों ने से अनुरोध है सभी सज्जनों से अनुरोध है कि इसको बार बार पढ़कर खुद समझें व अमल में लाएं। निश्चित ही सपरिवार ऐसा करने पर घर भी सतयुग बन जाएगा व अगले वर्ष फर्स्ट का नतीजा भी अवश्य आवेगा। सो ध्यान से सुनो। इंसानियत में ढल जीवन उद्देश्य प्राप्त करने हेतु गृह कार्य। हर सज्जन से प्रार्थना है कि समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव की पढ़ाई व गुड़ाई का नतीजा आज तक जो भी रहा हो उसे सोच बनाने के स्थान पर आत्म निरीक्षण के दौरान जो भी कमियां पाई गई हों उन्हें सुधारने के लिए खुद पर आत्म नियंत्रण रखना आरंभ कर दें। यह आत्म सुधार व आत्म उद्धार की बात है। आगामी वर्ष सफलता प्राप्त कर फर्स्ट का नतीजा दिखाने हेतु यदि हम नित्य प्रति निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार संगत अमल करने का शुभ कार्य अभी से ही आरंभ कर दें तो कोई कारण नहीं बनता कि हम इंसानियत अनुसार जीवन जीते हुए मोक्ष प्राप्त कर यश कीर्ति के अधिकारी बन अपना नाम रोशन ना कर सके। पहला विचार ईश्वर आप लुमान के नित्य भाव में स्थिरता से बने रहना। शारीरिक व जगत के निश्वरता वाले भावों में उलझकर स्वार्थी बन व ठोकरे खा खा जीवन मत हारना। इस प्रकार सदा सुखदाई कमाई करना। यह परमार्थ के रास्ते पर बने रहने व घर सतयुग बनाने हेतु आवश्यक समझना। दूसरा इस सत्य को सदा याद रखना कि मूल मंत्र शब्द ही गुरु है और शास्त्र में विदित विचारों को समझदारी से धारण कर व यथा व्यवहार में उतार कर ही महान बन सकते हो। अतः इसी सत्य पर टिके रहना व कभी भूल कर भी शारीरिक गुरुओं के चक्कर में मत फंसना और न ही कोई आडंबर रच अपनी मानता कराना। तीसरा समभाव समदृष्टि की युक्ति अनुसार सज्जन भाव अनुरूप मन को वश में रखना। इस प्रकार संकल्प को स्वच्छ रखते हुए व एक निगाह एक दृष्टि द्वारा विचार शब्द अनुसार जीवन व्यवहार अपनाकर निष्काम भाव से परोपकार कमाना। इस तरह मृत लोक पर फतेह पाकर आना। याद रखना संकल्प पर फतेह पाकर ही जन्म मरण के चक्रव्यूह से बच सकते हो। चौथा ग्रस्त धर्म ठीक निभाने हेतु मन को ईश्वर में लीन रखना व सबके प्रति कर्तव्य हंसकर करते हुए सच्चाई धर्म के रास्ते पर खुद बने रहना व बच्चों को भी चलाना। युवा अवस्था की भक्ति शक्ति धारण कर सदा जागृति से परमार्थ में बने रहना और अकर्ता भाव से जीवन का हर कार्य करते हुए निष्कामी बन यश कीर्ति प्राप्त करके आना। यह
आबाद रहने का रास्ता है। पांचवा, ब्रह्म को ही निज असलियत स्वरूप की सत्ता मानना और उसी के ही प्रकाश का जंचर बंचर जड़ चेतन में अनुभव करते हुए आत्मिक व ब्रह्म ज्ञान को यथार्थतः वर्त वर्ताव में लाने हेतु खुद पर पकड़ रखना। इस प्रकार अपने जीवन काल में सदा सच बोलते हुए, सच का घर में वर्त वर्ताव करते हुए व सच ही दुनिया में फैलाते हुए बुद्धि को प्रकाशित रखना। याद रखना, सच जानना है, झूठ अंधेरा है। छठा, मानव धर्म पर बने रहने हेतु तन मन धन वारने से नहीं सकुचाना, सदा कामना रहित रास्ते पर बने रहे स्वार्थपरता के भाव से बचे रहना। इस तरह औरों को भी परमार्थ के रास्ते पर ला एकता अपनाना व नेक कमाई करके आना। याद रखना, नेक कमाई से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं। सातवां, जन्म मरण रोग सोग खुशी गमी मान अपमान व अमीरी गरीबी में आत्मभाव से समरूप विचरना और विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मानसिक संतुलन साधे रखने का पराक्रम दिखा ताकतवर नाम कहाना। आठवां, यह सत्य सदा याद रखना कि मैं अजन्मा हूँ, मेरी आत्मा अमर है व जगत में विशेष होते हुए भी निर्लेप है और रूप रंग रेखा से बाहर है। इस प्रकार निर्भय निर्वैर व निर्विकार बने रहे हर कर्म न्याय संगत करना। नौवां, सावधान बने रहे बहरूनी वृत्ति को छोड़कर अंदरूनी वृत्ति को धारण करना। इस हेतु खलबली हटा विश्राम प्राप्त कर अपने ख्याल को सदा ईश्वर से जोड़े रखना। फिर स्वभावों पर पकड़ रखते हुए ख्याल स्वच्छ जिह्वा स्वतंत्र व दृष्टि कंचन रखने में कामयाब बने रहना। इस कार्य सिद्धि के लिए मन को वश में रखते हुए छल कपट निंदा उस्तत आदि छोड़ सम संतोष धैर्य सच्चाई धर्म पर बने रहना। दसवां, आवश्यकता अनुसार ही बोलने का स्वभाव अपनाना। इंद्रिय निग्रह द्वारा मन को विश्राम अवस्था में साधे रख अफुर बने रहना। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कुल नाशक काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर फतेह पा व सत्वस्तु के प्रतीक भाव स्वभावों में ढल श्रेष्ठ बनकर आना। ग्यारहवा, संकल्प रहित अवस्था में बने रहने हेतु मन पर नियंत्रण रखना। यह साधना ध्यान से करना ताकि हृदय को निर्मल वातावरण प्राप्त हो। यही एकमात्र युक्ति है उच्च बुद्धि उच्च ख्याल व आत्मबल पर मजबूती से बने रहे आत्मबोध द्वारा इस संसार में शुभ कृत्य करने की। बारवा, शरीर रूपी घर समेत हर वस्तु की स्वच्छता बनाए रख हैसियत में बने रहना। सात्विक आहारी बन अपने व परिवारजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना व संस्कारी बनने हेतु सबके साथ सज्जनता पूर्ण जी जी का वर्ताव करना सीख कर आना। अपनी प्रारब्ध को निज कर्म फल मान उसे प्रसन्न चित्तता से भोगना और इस प्रकार कष्ट कलेश आने पर भी सदा संतोषी बने रहना। तेरवा, याद रखना कि संकल्प ही कुसंग है जिसके प्रभाव से हमारी मानसिकता विकृत हो जाती है और मन पर
वश छूटने के कारण हम जंचर बंचर जड़ चेतन के प्रति आत्मभाव नहीं रख पाते और द्विद्वेष में उलझ जाते हैं। इससे हृदय का वातावरण दूषित होता है और हमारे ख्याल की स्वच्छता व दृष्टि की कंचनता भंग हो जाती है। यह असत्य धारणा व संतोष धैर्य सच्चाई धर्म पर पकड़ छूटने की बात होती है। किसी कारण भी ऐसा मत होने देना, यानी इंसानियत में बने रहना। इस प्रकार संकल्प स्वच्छ रखना ताकि झुकने रोने के स्वभाव से बचे रह सको और आपका हृदय बाहर की तरह खिल उठे, बदन प्रफुल्लित हो, मुख चमक उठे और आप परोपकारी बन सबको प्रिय लगने लगो। 14. अपना हृदय विकार रहित कर मुष्क हटाना और परम पिता परमेश्वर के सुपुत्र बनकर आना। याद रखना कि संकल्प कुसंगी के अनुसार मनोविचार अविचार कहलाते हैं, इसलिए ख्याल को मनुराज में भूल कर भी मत जुड़ने देना। इस प्रकार चेतन अवस्था में बने रहे सर्व एक प्रकाश होने के सत्य का ही अनुभव करना। यह इस विषय जगत में निष्काम भाव से विचरते हुए मोह माया से आजाद निज स्वरूप में स्थित रहने की बात है। 15. यह सत्य याद रखना कि ईश्वर के संग बने रहने से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है व सब संकट दूर हो जाते हैं। इस तरह सम अवस्था में बने रहना और सज्जन भाव अनुसार वर्त वर्ताव करना सहज हो जाता है। 16. परमार्थी पिता सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी, जिनसे मौत भी कांपती है, उनके वचनों के विपरीत चलन भूल कर भी मत अपनाना। इस प्रकार खुद को आत्मीयता में ध्यान से साधे रख निष्काम रास्ते पर बने रहना। इसके विपरीत कदाचित मखट्टू पुत्र बन अपनी प्रारब्ध बिगाड़ के स्वार्थ के रास्ते पर मत भटक जाना, यानी कमजोरी दिखा मन को फुरनों में मत जकड़ लेना। 17. एक अवस्था में बने रहने के लिए तीनों तापों के टेम्परेचर को सम रखते हुए निर्विकारी व शांत बने रहे दैवीय कर्म करना। इस तरह जीवन बनाने का भरसक प्रयास करना। इसमें कामयाब होने के लिए अच्छे व बुरे प्रकार के कनरस से बचकर रहना व अंतर्मुखी बने रहे ईश्वरीय विचारों अनुसार ही जगत में सब कुछ करना। 18. शास्त्र के विचारों को अमल में लाने हेतु नित्य प्रति उसे समझकर पढ़ना मत भूलना। इसमें वेद विदित विचारों से अपने हृदय को प्रकाशित रखना और वर्त वर्ताव हेतु ख्याल स्थिर कर लेना। इससे आत्मिक बल महान होगा और खुद को शक्तिशाली महसूस करोगे। तभी तीनों कालों का बोध होने पर अकर्ता भाव से संसार में विचरने के योग्य हो जाओगे और मौत के भय से भी बच जाओगे। ऐसा होने पर भौतिकवाद में नहीं फंसोगे और नैतिक तौर पर मजबूत रहोगे। 19. सांसारिकता में फंसकर कठिन स्वभाव मत अपनाना और ना ही परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए नरम पड़ना कि कोई भी विषय विकार आपको अपने अधीन कर सके। शब्द विचार पर वज्रता से बने रहना और इस हेतु कष्ट क्लेश सहने से भी मत सकुचाना। इस प्रकार अफुर अवस्था धारण करके संभाव जो एक निगाह एक दृष्टि देखनी होती है, जन्म की बाजी जीतने हेतु उसकी प्राप्ति करके आना।
20वां, यह सत्य मानना कि कुल दुनिया में जो बिन सूरजों सूरज परम धाम में जग रहा है, सर्व उसी का ही प्रकाश है। इस सत्य पर स्थिर रह संसारी व परमार्थी दोनों राज्य प्राप्त करके आना, यानी निर्गुण स्वरूप में बने रहे सरगुण का खेल खेलना। इस प्रकार अपनी असलियत की पहचान कर ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर नाम कहलाना। 21वां, अपने ख्याल को कलयुगी वातावरण से निकालने हेतु उसे ध्यान द्वारा प्रकाश में जोड़ने की क्रिया के समय जहां ख्याल है वहीं दृष्टि को साधे रखना। इस प्रकार संकल्प हट जाएगा और तीनों तापों का घटता बढ़ता टेम्परेचर स्वयमेव समाप्त हो जाएगा और एक अवस्था को प्राप्त हो जाओगे। अब में अपना असलियत प्रकाश नजर आने पर जगत व्यवहार के समय प्रसन्न चितता बनी रहेगी। यह जीव के परम धाम पहुंच विश्राम अवस्था को प्राप्त करने की बात है। सज्जनों, जो अभी तक सुना है उस संदर्भ में ये भी याद रखना कि इन ऊपर लिखित बिंदुओं के अनुसार सुदृढ़ता से बने रहने का पराक्रम दिखाने के योग्य सज्जन ही अपना सज्जन कहलाएगा, वह मुबारकबाद का अधिकारी बन हर्षा उठेगा। इसलिए इस मंगलमय कार्य को सिद्ध करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी से प्रार्थना है कि इन बिंदुओं के विचारों अनुसार ढलने हेतु कि इन बिंदुओं के विचारों अनुसार ढलने हेतु आत्मनिरीक्षण द्वारा अब तक अपनाए कलुकाल वाले स्वभावों को ढूंढ मन से होमें मिटा देना। इस प्रकार हृदय रूपी घर को सतयुग बना विराट दृष्टि पर खड़े होकर ब्रह्म वृत्ति को ठहरा लेना। इस यतन से जीवा स्वतंत्र, संकल्प स्वच्छ और निगाह कंचन हो जाएगी और अफुर अवस्था में बने रह गृहस्थाश्रम के फर्ज अदा हंस कर निभाने के काबिल हो जाओगे। इस सबक पर परपक्व रहने के लिए ऊपर लिखित विचारों को खुद पढ़ना व समझना होगा व सज्जनों को समझाना होगा। ये होगा विचार शब्द द्वारा संभव समदृष्टि के सबक को परपक्वता से ठहरा लेना। इसकी मजबूती के प्रति समय समय पर अपने जांचना करने होगे ताकि किसी भी कमजोरी के कारण अगले वर्ष नतीजा फेल का ना निकले। अपने पर उपकार करते हुए पर उपकार के निमित्त ऐसा ही करना सुनिश्चित करना। इस संदर्भ में फर्स्ट का नतीजा प्राप्त करने हेतु सत्वस्तु के कुदत्ति ग्रंथ से दोनों पैगाम वाले कीर्तन समझते हुए पढ़ अंदर और बाहर दोनों वृत्तियों का झुकना रोना बंद करके आना, अर्थात जीवा स्वतंत्र और अफुर अवस्था को धारण करके आना। ये अगले वर्ष फर्स्ट का नतीजा दिखाने व दिव्य दृष्टि का सबक प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। शुभकामनाएं। याद रखने योग्य सत्य। अब ध्यान से सुनो, याद रखने योग्य सत्य। मैं ब्रह्म हूँ। ओम अमर है आत्मा, आत्मा में है परमात्मा। एहो असलियत ब्रह्म स्वरूप प्रकाश है जो मेरा अपना। हम ब्रह्म प्रकाश हम अरंदर
निवास हम हर अंदर निवास हाँ हम हर अंदर प्रवेश हम हर अंदर प्रवेश हम हर अंदर विशेष हम हर अंदर विशेष हम ब्रह्म हम ब्रह्म हाँ।